हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पे कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्निकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय रॉय, R. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म ADGP क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो ADGP क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में। R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं। गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम चाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम चाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम चाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से 1 सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अमीना, क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदीपेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मोंटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरत कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव वीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से 1 सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्में जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्निकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्निकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव वीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है और न ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी की फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है और न ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में, स्नेहा है और एसपी सुले का आईपीएस के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्में जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरत कुमार SP वेट्रीवेल आईपीएस के रूप में हैं। गृह सचिव बीना मोरियन चाको आईएएस क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 19 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्में जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंटनी आईपीएस डीपीसी एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में। आर शरद कुमार एसपी वेट्रीवेल आईपीएस के रूप में हैं। गृह सचिव वीना मरियन चाको आईएएस क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में। अमला पॉल ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में। अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर शरद कुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर, क्रिस्टी, एंटनी IPS, DPCADL के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्में जो B. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, R. शरद कुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म ADGP क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर, क्रिस्टी, एंटनी आई पी एस डी पी सी एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर शरद कुमार एसपी वेट्रीवेल आईपीएस के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको आईएएस, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर शरद कुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो B. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर सरथकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. सरथकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्में जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें ममूटी, विनय राय, आर शरत कुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में ममूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर शरत कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को ममूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। ममूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, ममूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPCADL के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम चाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरत कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम चाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है और न ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय रॉय, आर शरद कुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी आईपीएस डीपीसीएडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर शरद कुमार एसपी वेट्रीवेल आईपीएस के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको आईएएस, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुई कुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को यूए प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो एसआर फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया। जिससे दर्शन हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है और न ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों को के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम चाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 29 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम चाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब ढाई घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बी. उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम जाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, आर. शरद कुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदी पेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते हैं चल रहे दूसरे फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। क्रिस्टोफर एक 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बी. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित और उदय कृष्ण द्वारा लिखित है। इसमें मम्मूटी, विनय राय, आर. शरतकुमार, स्नेहा, अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अदिति रवि, शाइन टॉम चाको, दीपक परम्बोल और सिद्दीकी जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म एडीजीपी क्रिस्टोफर एंटनी के बचपन से लेकर एक मुठभेड़ विशेषज्ञ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताती है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता का उपयोग करता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी IPS DPC एडल के प्रमुख के रूप में मम्मूटी है और विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर के रूप में, R. शरतकुमार SP वेट्रीवेल IPS के रूप में हैं, गृह सचिव बीना मरियन चाको IAS क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में स्नेहा है और SP सुलेखा IPS के रूप में अमला पॉल, ऐश्वर्या लक्ष्मी सलाहकार के रूप में, अमीना क्रिस्टोफर की दत्तक बेटी और एक खोजी वकील के रूप में है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 10 जुलाई 2022 को एक पूजा समारोह के साथ हुई। 18 जुलाई 2022 को मम्मूटी फिल्म के सेट पर शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम, पुईकुट्टी और वंदीपेरियार सहित केरल के कई स्थानों पर की गई थी। विनय राय को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो मलयालम सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मांकन में 79 दिन लगे और 29 सितंबर 2022 को पूरा हुआ। मम्मूटी ने फिल्मांकन समाप्त होने से एक सप्ताह पहले 65 दिनों की अवधि में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। पोस्ट प्रोडक्शन चरण में फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को भेजा गया था और 31 जनवरी 2023 को UA प्रमाण पत्र के साथ सेंसर किया गया था। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो SR फिल्म की समीक्षा करते हुए द हिंदू के लिए प्रवीण ने लिखा, मम्मूटी के लिए जो हाल में महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ गया है। अमला पॉल और स्नेहा को लंबी भूमिकाएं मिलती है, जबकि ऐश्वर्या लक्ष्मी को नगण्य भूमिका मिलती है। शाइन टॉम जाको दोहराते ही चल रहे दूसरी फिल्म के लिए स्क्रीन पर उनका कुख्यात साक्षात्कार व्यक्तिगत क्रिस्टोफर मुठभेड़ हत्याओं का उल्लेख लंबा दुर्भाग्यपूर्ण उत्सव है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म का क्लाइमैक्स पलक झपकते ही खत्म हो गया, जिससे दर्शक हैरान रह गए और कि आखिर क्या हुआ। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, कहानी पहले आधे घंटे में ही काफ़ी हद तक सामने आ जाती है और बहुत पूर्वानुमानित हो जाती है। इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वरना ही कोई मूड और मोड़ है जो हमें छोड़ देता है। आश्चर्यचकित खलनायक भी दर्शकों को कुछ भी नहीं देता है और काफ़ी घिसा पीटा है दर्शकों के साथ, लेकिन इस बार वे एक बहुत अच्छा मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो क्रिस्टोफर 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।